दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियमों में किया बदलाव, समय पर मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। और दोस्तों, इस खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अंतरिम तौर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। और इस खबर के अनुसार, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र और दावेदार के बैंक खाते के विवरण के साथ फॉर्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला और कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है, तो अंतरिम पारिवारिक पेंशन फौरन मंजूर कर दी जाएगी। यानी कि यदि सारी फैमिली डिटेल्स कंप्लीट हैं एक सरकारी कर्मचारी की, तो उसकी फैमिली वालों को तुरंत फैमिली पेंशन का भुगतान करना शुरू कर दिया जाएगा। और इसका फायदा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मामले में भी किसी कर्मचारी की मौत होने पर अंतिम हादसा रिपोर्ट का इंतजार किए बिना पारिवारिक पेंशन मंजूर कर दी जाएगी। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक, मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मुश्किल परिस्थिति से बचाने के लिए CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के प्रावधानों को यहाँ पर आसान बनाया गया है और उनमें बदलाव यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और दोस्तों, नए बदलाव के बाद कार्यालय प्रमुख पारिवारिक पेंशन के मामले में नियम 80 के तहत फॉर्म 14 और फॉर्म 18 के अलावा अन्य संबंधित दस्तावेजों का इंतजार किए बिना मामले को पे एंड अकाउंट ऑफिस भेज देंगे और इसके बाद अंतरिम पारिवारिक पेंशन जारी कर दी जाएगी। और यह पेंशन CCS पेंशन नियम 54 के तहत अधिकतम पारिवारिक पेंशन से ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि नियम 80 के तहत अंतरिम ग्रेचुटी की मंजूरी के प्रावधानों में कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत यहां पर दे दी गई है कि अब बिना किसी फॉर्म 14 और फॉर्म 18 के ही सरकारी कर्मचारियों की यदि ऐसा में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी फैमिली को पारिवारिक पेंशन का भुगतान तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, फिलहाल छोटे मित्र, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।